उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी का जीवन परिचय। हमारे देश में समय समय पर अनेकों तबला वादकों ने जन्म लिया और लेते रहेंगे, परंतु उनमें से उस्ताद अहमद जान थिरकवा ने जो ख्याति एवं मान प्राप्त किया वे बिरले ही कलाकार प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रसिद्ध तबला वादक का जन्म सन 1891 ईस्वी के लगभग मुरादाबाद शहर में एक संगीत व्यवसायिक परिवार में हुआ। अतः जब ये 12 वर्ष के थे तभी से पिता ने इनको तबले की शिक्षा प्रारंभ करा दी। शिक्षा की नींव ननिहाल में पड़ी। आपके नाना उस्ताद कलंदर बख्श तथा मामा फैयाज खान तबले थे। कुछ दिनों ननिहाल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आप बम्बई चले गए। वहाँ आपने उस्ताद मुनीर खान की छत्र छाया में करीब 40 वर्षों तक तबले की शिक्षा प्राप्त की तथा कठिन अभ्यास किया। उस्ताद अहमद जान ने बम्बई में रहकर नाट्य सम्राट बाल गंधर्व की नाटक कंपनी में अपने वादन में चमत्कार से खूब लोकप्रियता प्राप्त की। तबले पर अपनी थिरकती हुई अंगुलियों के कारण अहमद जान थिरकवा कहलाए जाने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात रामपुर के कलापाठी नवाब ने उस्ताद थिरकवा को अपने राज्य के अन्य कलाकारों के साथ नियुक्त कर लिया। वहाँ रहकर थिरकवा साहब ने अपनी कला को खूब परिमार्जित किया। ये बचपन से ही अत्यंत परिश्रमी थे। आपने अपने शिक्षा काल के 9 वर्षों तक पूरी पूरी रात अभ्यास किया। आपके 3 पुत्र नबी जान, महमूद जान और तीसरे अली जान हैं। देश के कोने कोने में आपके शिष्य तथा प्रशंसक हैं। पिछले 50-60 वर्षों के अंतर्गत हुए सभी उच्च कोटि के संगीतज्ञों के साथ आपने संगत की। उस्ताद थिरकवा पहले तबला वादक हैं जिन्हें सन 1970 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उस्ताद थिरकवा के जीवन का अधिक समय रामपुर दरबार में आश्रित कलाकार के रूप में बीता। रियासतों की समाप्ति के बाद उस्ताद 1959 ईस्वी में लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में नियुक्त हो गए। यहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद बम्बई चले गए और सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शिक्षक का कार्यभार संभाल लिया। उस्ताद का निधन 13 जनवरी सन 1976 को लखनऊ में हुआ। उस समय आपकी अवस्था लगभग 85 वर्ष की थी, परंतु उनका वादन अत्यंत सधा हुआ एवं आकर्षक हुआ करता था। आप जैसे विरले कलाकार होते हैं जो इतनी उम्र तक कार्यक्रम देते रहे हों। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की ओर से उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई। उनको गायन से विशेष रुचि थी। आपने बहुत बार आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया। आपके सोलो वादन के कई रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जो उनकी स्मृति को वर्षों तक बनाए रखेंगे। वादन शैली उस्ताद अहमद जान थिरकवा का बाजपुरबंग के फर्रुखाबाद घराने की वादन शैली से अधिक निकट था। फर्रुखाबाद के चाले, पेशकारी और गत बजाने में वे अद्वितीय थे। दिल्ली घराने की वादन शैली पर भी आपको अधिकार प्राप्त है। सोलो वादन में तो वे शास्त्रीय तथा परंपरागत नियमों का कठोरता से पालन करते थे। अतः उनके वादन में पेशकारा, कायदा तथा टुकड़े और अंत में रेलों का क्रम आता था। अधिकतर कायदों को मध्यकाल में बजाकर बड़ी ही खूबसूरती से रॉ में बदल देते थे। यही उनके वादन शैली की विशेषता थी। तंत्र के साथ प्राय सवाल जवाब की संगत करना पसंद करते थे। स्वयं गायन में विशेष पट्ट होने के कारण उसकी बारीकियों को समझते हुए बड़ी सुंदरता से गायन के साथ संगत करते थे। तबला विशेषतः संगति का वाद्य है, परंतु थिरकवा साहब ने उसे स्वतंत्र वाद्य के रूप में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये संगति की अपेक्षा सोलो वादन के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए।